हेलो एवरीवन, आज मैं शेयर कर रही हूँ शामी कबाब बनाने की रेसिपी। इसके लिए मैंने ली है आधा कटोरी चने की दाल और आधा किलो कीमा। दोनों को अच्छे से धोकर एक कुकर में डाल दिया है। इसमें मैंने डाली थोड़ी सी हल्दी, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, थोड़ा सा प्याज, 3-4 हरी मिर्च, आधा चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, कुछ खड़ा गरम मसाला, ऑप्शनल है आप चाहे तो डालें, अदरवाइज इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसका पूरा पानी सूख जाए उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसमें एक विसल आने दें। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, हमें इसे सूखा ही मसाला रखना है। ये हो चुका है। कुकर का ढक्कन खोलने के बाद अगर इसमें पानी रहता है तो आप इसे सुखा लें पूरा पानी इसका। और अब मैं इसे एक जार में ट्रांसफ़र कर रही हूँ और इसका एक फाइन पेस्ट रेडी करना है। इसे मिक्सी में पीसते टाइम मैंने इसमें डाला है पुदीना, हरा धनिया, लाल मिर्च पाउडर और अगर आप चाहे तो इसमें गरम मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं। मैंने खड़ा गरम मसाला यूज़ किया था इसलिए नहीं डाला। इसका बिल्कुल बारीक पेस्ट रेडी करें। मैंने यहाँ थोड़ा मोटा पीस लिया था इसे, जिसकी वजह से मुझे क्या प्रॉब्लम आई ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। अब आप अपने हिसाब से जितना बड़ा साइज आपको रखना है टिकिया का, उस हिसाब से इसकी बॉल ले और अच्छे से टिकिया का शेप दे दे उसे। और अब हम इसे करेंगे सेलो फ्राई। एक तवा रखें, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालें और इसमें सारी टिकिया डाल दें और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों साइड से सेक लें। तेल की कमी लगे तो आप फिर से इसमें थोड़ा सा तेल डाल लें। तो ये हमारी टिकिया बिल्कुल रेडी है। जब मैंने एक बार मोटा पीसा था तब मेरी टिकिया इस टाइप से बिखर रही थी और उसका शेप ठीक से नहीं बन रहा था। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।